अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ेनी स्टडी इंस्ट्रूमेंट्स। गाइस, इस चैनल पे आपको लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक के सभी नोट्स मिलेंगे। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजीली मिल सके। अब चलते हैं हम अपने आज के टॉपिक की तरफ। हाउ टू एनालाइज अ शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी क्या होती है और इसको किस तरह एनालाइज किया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है लिटरेचर का। तो हम जो जो पॉइंट आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वो मैं बता देती हूँ आपको। व्हाट इज द शॉर्ट स्टोरी, सेटिंग, करेक्टराइजेशन, प्लॉट, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड थीम। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द शॉर्ट स्टोरी। शॉर्ट स्टोरी एक बड़ी फिक्शनल प्रोस नरेटिव वर्क होता है जो एक यूजुअली नॉवल को डील करता है इन अ शॉर्टेस्ट फॉर्म, और उसमें इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होती है और उसका कंक्लूजन होता है। ऑल्दो शॉर्ट स्टोरी कॉमनली नॉवल की तरह ही होती है, लेकिन इसको थोड़ा एनालाइज किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में, जो कि लिखा जाता है विद मच ग्रेटर प्रसिएशन। एंड देन एक शॉर्ट स्टोरी को एनालाइज करना बेसिक नॉलेज के तौर पर, इसमें कुछ लिटरेरी एलिमेंट्स ऐड होते हैं जो कि मैंने आपको लास्ट पेज पे बताए, सेटिंग, करेक्टराइजेशन, प्लॉट, और देन प्लॉट के अंदर राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन, उसके अलावा फिर उसके थीम, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी को एनालाइज करने के लिए। सेटिंग, अब सेटिंग क्या है? सेटिंग एक डिस्क्रिप्शन होती है कि कहाँ और कब ये शॉर्ट स्टोरी टेक्स प्लेस हुई है, मतलब कि एक शॉर्ट स्टोरी में कौन सी जगह या कौन सा टाइम, कौन सी सर्कमस्टेंसेस और कौन से टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनमें से कौन सी चीज़ यूज हो रही है, वो सब कुछ चेक करना होता है। Ask yourself the following question। जब हम किसी भी शॉर्ट स्टोरी को या नॉवल को एनालाइज करते हैं तो सबसे पहले हम इन सब क्वेश्चंस को चेक करेंगे उस शॉर्ट स्टोरी में, देन हमें पता चलेगा कि इस शॉर्ट स्टोरी की सेटिंग क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ इज द सेटिंग क्रिएटेड। कंसीडर ज्योग्राफी, वेदर, टाइम ऑफ डे, सोशल कंडीशंस, ये सब कुछ सेटिंग्स में आता है, ठीक हो गया। देन रोल डज सेटिंग प्ले इन द स्टोरी, इट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लॉट और थीम। एंड वेन वॉज द स्टोरी रिटन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेन वॉज द स्टोरी रिटन। डज इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट, द पास्ट और द फ्यूचर। हाउ डज द टाइम पीरियड अफेक्ट द लैंग्वेज, एटमोसफेयर एंड सोशल सर्कमस्टेंसेज ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। देन अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक शॉर्ट स्टोरी है द नेकलेस, बहुत ही फेमस शॉर्ट स्टोरी है। उसकी जो सेटिंग है वो द नेकलेस टेक्स प्लेस इन पेरिस, फ्रांस, एट द क्लोज ऑफ द 19th सेंचुरी। ही यूजेस द सेटिंग ऑफ द स्टोरी टू एस्टेब्लिश मिमिक। अब इस नेकलेस शॉर्ट स्टोरी की जो सेटिंग है वो पेरिस, फ्रांस में है और वो 19th सेंचुरी के क्लोज है, तो यहाँ से हमें पता चला है कि इसकी सेटिंग पेरिस में है, जब हमने ये नोट किया है कि वेन एंड वेयर द स्टोरी टेक्स प्लेस, तो फिर हमें पता चला है कि इस शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस की जो सेटिंग है वो पेरिस, फ्रांस में है। देन करेक्टराइजेशन, अब करेक्टराइजेशन क्या है? करेक्टराइजेशन डील करती है स्टोरी में बयान किए गए करेक्टर्स को, मोस्टली जो स्टोरी होती है वो किरदारों के इर्द गिर्द ही, किरदारों के साथ ही चलती है और ख़त्म होती है। सो स्टोरी में जितने भी करेक्टर्स डिस्क्राइब किए जाते हैं वो करेक्टराइजेशन कहलाते हैं, और बहुत सारे करेक्टर्स जो होते हैं वो नॉवेल्स के साथ भी कंपेयर, नॉवल में भी, यानी कि शॉर्ट स्टोरी के इस करेक्टराइजेशन वाले पार्ट को हम नॉवल से भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि नॉवेल्स में भी सेम करेक्टर्स को यूज़ किया जाता है और देन एक स्टोरी बनती है। तो उसमें भी हम इसी तरह कुछ क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं कि किस तरह हमने किसी भी शॉर्ट स्टोरी में करेक्टर्स को चेक करना है। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि स्टोरी के मेन करेक्टर कौन है, और जो मेन करेक्टर है और दूसरे करेक्टर, उनके दरमियान डायलॉग किस तरह यूज़ हुए हैं,
और क्या वो डायनामिक अराउंड करेक्टर्स भी हैं इस स्टोरी में, और इस स्टोरी में किस टाइप के करेक्टर्स हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या है। तो ये सब कुछ चेक करके हमें पता चल जाएगा कि इस शॉर्ट स्टोरी में कौन कौन से करेक्टर्स हैं और कहाँ कहाँ पे यूज़ हुए हैं करेक्टर्स। द नेकलेस शॉर्ट स्टोरी है अब, तो इस ये पूरी शॉर्ट स्टोरी तीन मेजर करेक्टर्स के गिर्द घूमती है। तो उसमें जो करेक्टर्स हैं, अब मैंने लास्ट पे कहा कि जितने भी स्टोरी में करेक्टर्स को डिस्क्राइब किया गया है वो सारे करेक्टर्स हैं। तो इस स्टोरी में तीन करेक्टर्स को डिस्क्राइब किया गया है और यही तीन करेक्टर स्टोरी की करेक्टराइजेशन कहलाते हैं। मथिल्डे जो कि प्रोटैगनिस्ट भी है इस शॉर्ट स्टोरी की, एंड लोजल जो कि मथिल्डे के हस्बैंड है, एंड मैडम फ्रेशियर। देन अब शॉर्ट स्टोरी को एनालाइज करने के लिए इसमें एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, प्लॉट। तो प्लॉट जो क्या है, प्लॉट मेन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, यानी ये स्टोरी को पैदा करता है। और शॉर्ट स्टोरी में प्लॉट यूजुअली सेंटर्ड अराउंड वन एक्सपीरियंस और सिग्निफिकेंट मूवमेंट। ओके, देन व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट एंड हाउ इज द प्लॉट स्ट्रक्चर्ड एंड इज प्लॉट बिलीवेबल। इन सारे क्वेश्चंस को हम चेक करके अपनी शॉर्ट स्टोरी द नेकलेस में चेक कर, प्लॉट को डिस्कस किया गया है। और प्लॉट्स के अंदर थ्री मेजर इवेंट्स होते हैं, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स एंड फॉलिंग एक्शन। तो इस शॉर्ट स्टोरी नेकलेस में राइजिंग एक्शन क्या है? राइजिंग एक्शन इस शॉर्ट स्टोरी में, राइजिंग एक्शन मतलब के ऊपर की तरफ बढ़ना, शॉर्ट स्टोरी का नेक्स्ट ग्रो करना। क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स क्या है? क्लाइमैक्स एक ना टेंशन वाला पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, मतलब के हर्ट को ना शॉर्ट स्टोरी में ब्रेक करने वाला पॉइंट, जो के मेजरली मेन कैरेक्टर के साथ रिलेट कर रहा होता है। और इस शॉर्ट स्टोरी में टर्निंग पॉइंट कौन सा है और क्लाइमैक्स कब टेक्स प्लेस कर लेते हैं। क्लाइमैक्स तब, द नेकलेस शॉर्ट स्टोरी में क्लाइमैक्स तब अकर हुआ था जब मैथिल्डे ने, इस शॉर्ट स्टोरी में क्लाइमैक्स तब अकर हुआ था जब मैथिल्डे ने ये डिस्कवर किया था कि जो नेकलेस उसके पास था वो खो गया है। और दूसरी दूसरा क्लाइमैक्स तब अकर हुआ स्टोरी के एंड पे कि जब मैडम फ्रेस्टियर ने मैथिल्डे को बताया कि जो नेकलेस आपने खोया है वो दरअसल फेक नेकलेस था। फॉलिंग एक्शन, द नेकलेस शॉर्ट स्टोरी में फॉलिंग एक्शन, मथिल्डे मार्केट में ऐसी जा रही थी तो उसकी फ्रेंड उसको नजर आई, जिससे उसने नेकलेस उधार लिया था। तो इसने कहा कि मैं सब कुछ बता देती हूँ कि क्या हुआ उस नेकलेस के साथ, वही कि उसने नेकलेस खो दिया। ये सारा था फॉलिंग एक्शन, मतलब के गिरना या झुकना। देन लास्ट पॉइंट है हाउ टू एनालाइज शॉर्ट स्टोरी का थीम। थीम क्या होते हैं? थीम मेन आइडिया होता है, लेसन होता है और मैसेजेस होते हैं शॉर्ट स्टोरी में, जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होते हैं अबाउट ह्यूमन कंडीशन, सोसाइटी और लाइफ के बारे में। तो हम कैसे हमें पता चलेगा कि द नेकलेस शॉर्ट स्टोरी में कौन कौन से थीम है और कहाँ पे शो हो रहे हैं? हम चेक करेंगे कि हाउ इज़ द थीम एक्सप्रेस्ड, आर एनी एलिमेंट्स रिपीटेड एंड देयर फॉर सजेस्ट अ थीम, इज देयर मोर देन वन थीम। इन सभी क्वेश्चंस को नोट करते हुए हमें पता चल जाएगा। तो इस शॉर्ट स्टोरी में मेन थीम है ग्रीड, डिसेप्टिव अपीयरेंसेस एंड ब्यूटी एंड वैनिटी। ये सारे ह्यूमन कंडीशन, सोसाइटी और लाइफ को शो कर रहे हैं। उसके बाद कंक्लूजन आ जाता है कि योर लिटरेरी एनालिसिस ऑफ अ शॉर्ट स्टोरी विल ऑफन बी इन द फॉर्म ऑफ एन एसे, वेयर यू मे बी आस्क्ड टू गिव योर ओपिनियंस ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एट द एंड एंड चूज द एलिमेंट्स दैट मेड द ग्रेटेस्ट इम्प्रेशन ऑन यू, पॉइंट आउट विच करेक्टर्स करेक्टर्स यू लाइक बेस्ट और लीस्ट एंड ऑलवेज सपोर्ट योर आर्गूमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।